हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे, हम सभी ने अभी शावर ले लिया। रमन, सुमन और करण और मैंने हेयर शावर लिया, बाकी ने भी शावर ले लिया लेकिन उन्होंने हेयर शावर नहीं लिया। और खाने में जैसे आपने देखा कि मूंग दाल बनी थी, और काफ़ी दिनों से थोड़ा हैवी खा रहे थे ना। हैवी खाने के बाद यही ऑप्शन होती है हमारे घर में कि लाइट खाने के लिए, अगर लाइट खाना है तो। एक मेरे पास स्टिक नहीं है तो उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है व्लॉग बनाने में। और 2-3 दिन से फ्राइडे में नाइट में मैंने झाड़ू पोछा जैसे कर दिया था, अच्छे से किया था, अच्छे से बहुत बोलती हूँ आजकल मैं, और वो करके चली गई थी। उसके बाद बस थोड़ा बहुत होता था कि थोड़ा टायर्ड भी होते थे, आके सो जाते थे और मॉर्निंग में अर्ली चले जाते थे। तो आज मैंने घर का जो थोड़ा सामान था ना वही उठा के इधर उधर रखा। और एक और छोटी सी प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सामान मैं फिक्स भी नहीं कर पा रही, तो हो सकता है कि आने वाली व्लॉग्स में मैं शेयर कर पाऊँ कि बस अब तक जो दिन थे बहुत अच्छे से गए हैं। और पता है, ऐसा फील हो रहा है जैसे ना मेरा मन था कि थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मैं कहीं हॉलीडे पे चली जाऊँ। बिल्कुल ऐसा लगा, पता नहीं कितनी रिलैक्स वाली हॉलीडे पे मैं जाके आई हूँ। बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और बस दोपहर का खाना मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद मैं नहीं मिली क्योंकि मैं बच्चों में बिजी थी उन्हें नहलाने में, और कपड़े आपको पता ही कि कितने होते हैं वो फिक्स करने में, लेकिन वॉश नहीं किए। वो मैं वेडनेसडे को करूँगी, कल का दिन छोड़ के फिर करूँगी क्योंकि कल मुझे थोड़ा क्लीनिंग का टाइम मिल जाएगा और उसके बाद करूँगी। तो बस यही था। और नहाने के बाद बच्चे बाहर प्ले कर रहे हैं और करणवीर नहीं गया, उनके मैं बाल पहले बना दूँगी, वो फिर जाएगा, अदरवाइज वो नहीं खेलने जाता। तो बस वही करने वाली हूँ, उसके बाल बना दूँ फिर वो खेल ले। अभी खाना बना के फ्री हुई हूँ और बाल बहुत गीले थे, ऐसे ही मैंने बांध लिए थे। और टाइम हो रहा है 9:04 रात के, बच्चे बाहर खेल रहे थे, अभी आए हैं। जब भी मैंने कैमरा उठाया ना, कि मुझे था कि इनका वरना शोर शराबा आता है, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, तो तभी ये एंटर हो गए। और आज हम सोने वाले लिविंग रूम में, मैं, करणवी, रमन, सुमन। और कपड़े भी नहीं चेंज कर पाएंगे, इन्हीं कपड़ों में सोना होगा। ब्रश कर रहे हो ना? ब्रश ऊपर पे, जिथे मेरा ब्रश पे है ना उथे रखे हुए है, नहीं उथे? ये वाली मैंने बनाई थी, याद दिला दूं आपको। जो मैंने सूट कल पहना था उसके साथ थोड़ी मैच करे नहीं, पर ये ग्रीन है, वो थोड़ा पीकॉक फैदर कलर की थी। किद्दा जी, दिस मैचेस माय टू पाला फिर गुट्टी थे। क्यूटू आवे रे, क्यूटू है ना। कितने ब्रश हुन? आई मिस टू ग्रीन। हां की हुआ? कुछ नहीं, फिर भी दसो दे। मैं वेट कर दे सी थोड़ा जी, आज थोड़ी वेट कर के दौड़े तो इदा गए से सारे ने बाथरूम जा। तो चलें अब ये करेंगे ब्रश, और मैं यहां पे लगा लूं हमारा बिस्तर, ठीक है? तो टेबल मेरे ना चका के उठे रखवा दियो एक जना।
ओफो, थक गई है बिछाते हुए। और जैसे आपको पता है कि हम यहीं सो रहे हैं। की हो गया कार्नवी ने रोज ही अपना ब्रश छुपा लेता है क्योंकि इसे नया ब्रश चाहिए इसलिए। और रमा सुमन ने ढूंढ लिया और अब चिल्ला रहा है कि क्यों ढूंढा मेरा ब्रश। तो अभी फैन ऑन किया है तो हो सकता है कि आवाज ना आए। तो ना गला थोड़ा बड़ा था तो मैंने ऐसे बांध लिया पीछे से, तो इन्हीं में सोना होगा। एक भी मिनट में बाल ओपन नहीं कर पाती जब मैं काम वगैरह करती हूँ, लेकिन बाल मेरे ड्राई बिल्कुल भी नहीं हुए। और अब सोने से पहले फिर से बांध लूँगी। थोड़ी हवा आ रही है और हो सकता है कि थोड़े सही हो जाएं। और करने कितने सोगा ते रमन सुमन ने थे। क्योंकि हमें रूम से निकाल दिया है इसीलिए हम बाहर सो रहे हैं, है ना रमन सुमन? है ना सर, पापा ने बाहर निकाल दिया हमें ना। पापा स्लीप रूम है। हाँ तो दूसरे रूम च तो सानू बाहर काट देता। तो हम कपड़े भी नहीं चेंज कर सकते, हम बाहर ही लेटे हुए हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है ना बाहर, ज़्यादा ठंडा। मैं रूम च देखा सी कि गर्मी है वैसे भी। ਕਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਵਨ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। कर रहे थे आज यहाँ पर करना, दो मिनट करेंगे। एक भूत बनाने माई मिली है सानू। बच्चों का मन हो रहा है कि कोई ऐसी कोई ड्रामे सी स्टोरी हो जाए कुछ भी।
तो बस आज यहाँ पर ही करूँगी इस व्लॉग का एंड, और मैं मिलूंगी आपको एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।